ये जैसे कि मेनिक्योर और पेडिक्योर शीट जिसमें होता है क्लिंजर, स्क्रब, क्रीम, पैक और क्यूटिकल ऑयल, और ये है मेनिक्योर शीट। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से मेनिक्योर करेंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेनिक्योर किस तरह से करेंगे, किस तरह से प्रोफेशनली यानी कि पार्लर में मेनिक्योर किया जाता है, और आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नेल कट कर लेना है। यदि कस्टमर को नेल बड़ा रखना है तो आप थोड़ा थोड़ा कट करेंगे या फिर शेप कर लेंगे, और अगर पूरा काटना है तो पूरा भी काट सकते हैं। साथ ही आप नेल पॉलिश अगर लगा हुआ है तो उसे रिमूव कर लेंगे और नेल को शेप कर लेते हैं। यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी है जिसमें कि शैम्पू डाला हुआ है, और साथ ही डाला हुआ है गुलाब की पत्तियाँ यानी रोज़ पेटल। तो इस तरह से पहले हम लोग 10 से 15 मिनट हाथों को फुला लेंगे इसमें, ताकि हमारे जितने भी डेड स्किन है वो इजीली निकल सके। अब इसके बाद इसमें लिया गया है क्लिंजर, जिसे कि बाउल में मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो क्लिंजर से इस तरह से दोनों हाथ को अच्छी तरीके से क्लीन करना है स्टेप देते हुए। मैं आप लोग को ये सारे स्टेप मसाज में दिखा दूंगी, स्क्रब और क्लिंजर में मैं स्टेप नहीं दिखाई हूँ। तो इस तरीके से दोनों हाथों को अच्छे से आप क्लिंजर से क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद आप इसे साफ पानी से इसे क्लीन कर लेते हैं। और इसके बाद आप लेते हैं स्क्रब। स्क्रब को भी सेम उसी तरीके से स्टेप देते हुए आप साफ कर लेंगे हाथों को। हाथों पे जॉइंट्स पे यानी यहाँ फिंगर के जॉइंट्स पे, केहूनी पे, इस सभी पे आपका डेड स्किन ज़्यादा होता है, थोड़ा ब्लैकनेस होता है, तो उस सभी को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हाथ को चलाते हैं, जिससे वहाँ पे जितने भी ब्लैकनेस होते हैं और जो भी डेड स्किन होते हैं वो सारे हट जाते हैं। तो मेनिक्योर एक्चुअली हम लोग इसलिए ही करवाते हैं ताकि हमारे इस हाथ का स्किन जो है फेस के स्किन से अलग दिखता है, तो उसे हम लोग साफ़ कर लेते हैं इस मेनिक्योर प्रोसेस से। मेनिक्योर प्रोसेस एक तरह से हमारा समझ लीजिए कि हाथ का फेशियल है। जिस तरह से हम लोग फेस पे फेशियल करवाते हैं तो हमारा फेस ग्लोइंग दिखता है, इसी तरीके से हाथ को यदि हम लोग क्लीन करना चाहे, ग्लोइंग दिखाना चाहे, तो हम लोग मेनिक्योर को कर सकते हैं। आप इसे मंथली भी कर सकते हैं, और यदि आपको जब ज़रूरत लगे तब भी आप कर सकते हैं। गैस, अभी दीपावली में बहुत सारे काम की वजह से हमारे हाथ पे बहुत सारे गंदगी बैठ जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो हमारे हाथ और पैर गंदे होते हैं, तो इस समय आप लोग मेनिक्योर पेडिक्योर करवा सकते हैं, जिससे बहुत ही क्लीन दिखेगा। ये है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल सारे नेल्स पर लगा देना है, और इस तरीके से हल्का मसाज दे उसे छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि हमारे जितने भी क्यूटिकल्स हैं वो थोड़े फूल जाए। तो इस तरीके से हमारे जितने भी डेड क्यूटिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे नेल्स पे क्यूटिकल ऑयल को डाल देना है, और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे आप मसाज करेंगे। देन इसके बाद आप लेते हैं मसाज क्रीम, जो कि आपका तीसरे नंबर पे हमारे किट में दिया होता है। उस क्रीम को लेकर के इस तरीके से आप स्टेप देते हुए आप मसाज करेंगे। गाइस, यहाँ पे मैं पूरे स्टेप को दिखाई हूँ। फर्स्ट जो था वो आपका आयरन नॉट था, ये सर्कुलर मोशन में है। तो इस तरीके से मसाज देंगे हाथों का। ये है वैंगल स्टेप, इस स्टेप को भी आप देते हैं। ये स्टेप बहुत ही ईजी होता है, आप अच्छे से अगर आप देखते हैं तो सारे स्टेप को आप समझ जाएंगे। ये क्रिस क्रॉस स्टेप है, आप इस तरीके से हाथों में क्रिस क्रॉस स्टेप देंगे तो आपका हाथ का जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसमें साइन आ जाता है और रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप इस तरीके से इसमें जितने भी स्टेप मैं दिखा रही हूँ सारे स्टेप को करेंगे तो बहुत ही अच्छा हाथ क्लीन हो जाएगा और ग्लो भी आएगा। इस तरीके से आप क्रीम से आप जितने भी जॉइंट्स हैं उसे भी पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे। गैस, मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को सिखा रही थी, तो मैं इसी वीडियो को आप लोग से भी शेयर कर दी, ताकि आप लोग भी घर बैठे प्रोफेशनली किस तरह से मेनिक्योर किया जाता है वो आप सीख सकें, और अगर आप चाहें तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे जॉइंट्स पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसके बाद आप फिंगर्स को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आगे की तरफ हल्का खींचेंगे। ये सारे स्टेप को करने के बाद हाथ में बहुत ही रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से आप पूरे हाथ का मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करते हैं। लगभग 10 मिनट मसाज करने के बाद क्रीम पूरे हैंड में एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद आपको इस तरीके से
एक्सरसाइज करवा देना है, हाथ को मूवमेंट करवा देना है। जैसा यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे कलाई के पास से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूवमेंट करवा के इसका पूरे फिंगर को इस तरीके से आगे की तरफ खींच लेना है। इस तरह से पूरे हाथ में बहुत ही रिलैक्स फील होता है। गाइस, आप लोग के लिए ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वहाँ पे आपको एक बेल आइकन मिलेगा जिसे आप प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। लास्ट में आपको करना है क्रीम लेना है और क्रीम को इस तरह से नेल पर लगाना है और देन आपको लेना है मैनीक्योर शेड से ये टूल जिसे आप बफिंग करेंगे पूरे नेल्स पे क्रीम के साथ। इस तरह से नेल पे जो डेड स्किन होते हैं वे सारे आपके रिमूव हो जाएंगे, साथ ही आप नेल के अंदर से जितने भी गंदगी होते हैं वे सारे क्रीम के साथ उसको निकाल देना है इस तरीके से। गाइस, मैनीक्योर शीट में बहुत सारे टूल्स होते हैं और सारे के हेल्प से आपको ये सारे काम करना है। देन आपको उसमें एक मिलेगा पुसर, पुसर से क्यूटिकल्स को इस तरह से पीछे की तरफ धक्का देंगे जिससे आपका नेल का शेप सुंदर हो जाता है, गोल शेप में आ जाता है और थोड़ा आपका लंबा भी दिखता है। आप इस तरीके से नेल को, नेल के पास जो आपका क्यूटिकल्स है उसे आप पीछे की तरफ धक्का देंगे। और ये है क्यूटिकल कटर। तो यदि आपके नेल के आजू बाजू किसी भी तरह का क्यूटिकल डेड हो चुका है, जो रुखरा हो जाता है, तो उसे कट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं उसे कट नहीं की हूँ पर आप लोग इस तरीके से कट कर लेंगे अगर वो है तो। और देन लास्ट में आपको लगाना है पैक, इस तरीके से पूरे हाथ में पैक को लगा लेंगे। पैक को दोनों हाथ में लगाने के बाद आपको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप हल्का हाथ को गीला कर लेंगे या फिर थोड़े से पानी या फिर रोज़ वाटर आप ले लेते हैं और इस तरीके से इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे आप क्लीन कर लेते हैं और ये हो गया आपका मैनीक्योर कम्प्लीट। यदि आप चाहें तो यहाँ आप अपनी पसंद का नेल पेंट कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।